जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी, आज मैं उनको कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय कब हुआ था? आपके विकल्प हैं 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी या 1806 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1804 ईस्वी। कौन सा उत्तर सही है? 1804 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? आपके विकल्प हैं 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1848 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? विकल्प हैं आपके पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, वियना की संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कुस्तुनतुनिया की संधि से मिली थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपके विकल्प हैं मैटरनिक, कावूर, बिस्मार्क, मेत्सिनी। तो आपका राइट आंसर क्या है? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका सही आंसर है मैटरनिक। यह कथन किसका है दोस्तों? मैटरनिक का। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है और आपके विकल्प हैं 1788 में और 1789 में, 1790 में या 1787 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी विकल्प दिए गए हैं जिस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह कौन सा है? और यह प्रश्न 2020 की परीक्षा में आ चुका है। क्या विकल्प हैं आपके जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या इंग्लैंड में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह देश कौन सा है? फ्रांस है। कौन सा है दोस्तों? फ्रांस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? आपके विकल्प हैं 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? और आपके विकल्प हैं ऑटो वान बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को या मेत्सिनी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है और विकल्प हैं आपके, क्या नेपोलियन जर्मनी का था, इटली का था, फ्रांस का था या इंग्लैंड का था? तो आपका राइट आंसर है नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपके विकल्प हैं ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जुसेपे गरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप आपके विकल्प हैं निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के स्वरूप क्या हुआ कि गणतंत्र की स्थापना हुई। आपका सही उत्तर है गणतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों ये थे आपके इस पाठ के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनको आपको लिख करके रट लेना है। और दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।